आम आदमी आम नहीं खाएगा तो क्या, केजरीवाल की कोर्ट में क्या दलीलें? आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। कथित आबकारी घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन देने और डॉक्टर से परामर्श लेने के आवेदन पर शुक्रवार को बहस हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने इस मामले में 22 अप्रैल तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन ने अदालत में रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें केजरीवाल द्वारा 1 अप्रैल को डॉक्टर द्वारा निर्धारित भोजन न करने का आरोप लगाया गया। इन आरोपों को केजरीवाल की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने खारिज कर दिया। उन्होंने ईडी पर मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तिहाड़ प्रशासन को शनिवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। वहीं सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा कि कुछ अपवादों को छोड़कर केजरीवाल ने जो भी भोजन खाया वह उनके डॉक्टर द्वारा तैयार किए गए आहार चार्ट के अनुरूप था। ईडी ने गुरुवार को अदालत के समक्ष दावा किया था कि मेडिकल जमानत के लिए आधार बनाने को टाइप 2 मधुमेह होने के बावजूद केजरीवाल हर दिन आम और मिठाई जैसे उच्च शर्करा वाले भोजन खा रहे थे। इन आरोपों पर सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल जमानत पाने के लिए पक्षाघात का जोखिम क्यों उठाएंगे। सिंघवी ने कहा कि ये भी आरोप है कि मुख्यमंत्री आम खा रहे हैं, मगर घर से 48 बार भेजे गए भोजन में से केवल 3 बार आम थे। 8 अप्रैल के बाद कोई आम नहीं भेजा गया है। वह अपनी चाय में केवल शुगर फ्री का उपयोग करते हैं। इतने दिनों में केवल 1 बार उनके लिए नवरात्रि के प्रसाद के तौर पर आलू पूरी भेजे गए थे। आम आदमी आम नहीं तो क्या मशरूम खाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आम खाने पर मीडिया कवरेज और विवाद को लेकर अदालत में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने तंज करते हुए कहा कि आम आदमी आम नहीं खाएगा तो क्या मशरूम खाएगा। इसके बाद उन्होंने तिहाड़ जेल प्रशासन पर भी सवाल उठाए। तिहाड़ प्रशासन का दावा, आहार चार्ट का पालन नहीं कर रहे। तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से पेश वकील ने कहा कि केजरीवाल जो खाना खा रहे थे वह उनके डॉक्टर द्वारा निर्धारित आहार चार्ट से मेल नहीं खाता। इसमें कहा गया है कि तिहाड़ जेल में केजरीवाल की मधुमेह की देखभाल के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं थी। डॉक्टर द्वारा बताए गए डाइट चार्ट में उन्हें मिठाई और कई तरह के फलों के सेवन पर रोक थी। उन्हें उसी आधार पर खाना दिया जाना चाहिए, वरना हम घर के खाने को रोकने का आवेदन दाखिल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।